तो आप दोनों मैरिड पे बैठे हुए हैं? आपको लगता है आप दोनों मैरिड? मुझे क्या लगता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, दोनों मैरिड पे बैठे हुए आपको लगता है कि नहीं दोनों मैरिड पे? मेरी बात का जवाब, गौतम गंभीर को उन्होंने जो है वो पर्ची कह दिया। अब बीसीसीआई जाने, इंडियन क्रिकेट जाने, उनकी टीम अच्छा खेल रही है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं, 50 ओवर का वो फाइनल खेलते हैं, T20 का वो फाइनल जीते हैं, चैंपियंस ऑफ लीजेंड में वो जीत जाते हैं, विमेंस क्रिकेट उनकी बेहतर है, और आपकी क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही और आप उनको पर्ची कह रहे हैं। तनवीर की मर्जी से बीसीसीआई फैसला करेगा? तनवीर को ये बयान नहीं देना जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं, हम अपने गिरवान में जाके हम कहां हैं, हम कहां खड़े, हमारी क्रिकेट कहां चलेगी? तो इसी को कहते हैं, उस टाइम आपको होगी तकलीफ कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, कैसे आ गया दूसरा जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसको कहते हैं लॉबी। सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए। तनवीर ने अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के राइट के लिए बयान दिया है और वो आईपीएल जिता के आया। दोस्तों तनवीर अहमद कहते हैं गौतम गंभीर इसलिए भारतीय टीम के हेड कोच बन गए कि वह बीजेपी यानी हुकूमती पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वैसे भी तनवीर अहमद ने इतना कोई बड़ा तीर नहीं मारा कि वह भारतीय टीम का हेड कोच बन जाते, उसकी जगह वीवीएस लक्ष्मण हो या फिर राहुल द्रविड़, दोनों क्वालिफाइड कोचेस थे और दोनों भारतीय टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तनवीर अहमद के इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर धुलाई की है तनवीर अहमद की। क्या कहना था पाकिस्तानी मीडिया का तनवीर अहमद के बारे में, पहले एक कंप्लीट वीडियो आपको दिखाते हैं। आप दोनों मैरिड पे बैठे हुए हैं? आपको लगता है आप दोनों मैरिड? मुझे क्या लगता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, दोनों मैरिड पे बैठे हुए आपको लगता है कि नहीं दोनों मैरिड पे? मेरी बात का जवाब दें, दोनों मैरिड पे लगता है कि नहीं लगता? दोनों मैरिड पे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे, मैरिड पे आप भी मैरिड पे, ठीक है। अगर आपकी जगह वो बंदा आ जाए जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या वो लॉबी से आया या मैरिड पे आया? हो सकता है वो टैलेंटेड हो। मेरी बात का जवाब नहीं, क्या पता वो, अगर आपके पास 7-8 साल का, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और उसको कोई सारी चीज नहीं होती, तकलीफ होगी आप लोगों को? तकलीफ होगी नहीं होती? तकलीफ होगी इफ ही इज गुड? ये क्या बात हुई? इफ ही इज गुड व्हाई नॉट? ये क्या बात हुई? ये क्या बात? यही तो बात है, यही कहते हैं ना लोभी। इसी को कहते हैं, उस टाइम आपको होगी तकलीफ कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, कैसे आ गया दूसरा जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसको कहते हैं लॉबी। पहले तो साजिद भाई जरा आप बताइएगा कि ये जो तनवीर का बयान है, गौतम गंभीर को जो है लेना पर्ची है और लक्ष्मण को होना चाहिए था, अब ये तनवीर की मर्जी से बीसीसीआई फैसला करेगा? देखिए बात सिंपल सी है, तनवीर को सोचना चाहिए। तनवीर ने अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के राइट के लिए बयान दिया है और वो आईपीएल जिता के आया। यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, यकीनी तौर पर बीसीसीआई का फैसला, वो अपनी मुल्क की क्रिकेट किस तरह चला रहे हैं। और तनवीर को ये बयान नहीं देना जिससे हमारा इमेज खराब होता है। जितने पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, जितने क्रिकेटर हैं, वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे होते हैं, हम अपने गिरवान में जाके हम कहां हैं, हम कहां खड़े, हमारी क्रिकेट कहां चलेगी? यकीनी तौर पर जो कोच उनको लगाया है उसकी कारगर्दगी तो देखिए, कितना हाई पेड कोच है। और उसको कोच लेके आने की वजह यकीनी तौर पर उसने डंके की चोट में शाहरुख खान की टीम को जिताया, उसने उसकी जो एबिलिटी है और जो चारा वो कर रहा है। और यकीनी तौर पर उस मुल्क की जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे नहीं नवाजे, उनकी क्रिकेट उनकी मर्जी, उनका फैसला। आप ये जो 98 2000 के बाद के प्लेयर्स हैं उनको आप देख लें, और बल्कि ज्यादा आगे ले जाएं, वही ऐसी बातें करते हैं। बाकी जो पुराने हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं, वो कभी भी उन्होंने कभी भी ऐसी कोई गलत बात की नहीं। ये इन लोगों को अपना ये यूट्यूब चैनल जो साजिद भाई ने बताया, ये उसके लिए अपने यकीनन इन 2-3 चीजों की मतलब आपको पता ही है किस लिए करते हैं, लेकिन बिल्कुल फजूल बात है। देखिए आपका मुल्क अपना मुल्क है, आप अपने मुल्क के बारे में जो भी करें, दूसरों के मुल्क में हम क्यों टांग अड़ाएं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, हम क्यों बोले उनके लिए? हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। चाहे बहुत से हमारा कोई भी प्लेयर आ जाए, वो क्यों बोलेगा उसके लिए? उनकी मर्जी, किसी को भी कोच बनाए, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो किसी गली के प्लेयर गली और के, उनकी क्रिकेट हमसे बहुत आगे, आप उनकी कोई भी क्रिकेट उठा लें, इवन उनकी डोमेस्टिक उठा लें, वो हमसे आगे, और फिर आप उनको पर्ची करें। हर क्रिकेटर वो उनसे बहुत आगे चले गए, इंडिया हम इंडिया के पास भी नहीं फटक रहे इस वक्त, इंडिया बहुत ऊपर चला गया, और हमें मानना पड़ेगा ये, और हम भी मानते हैं, इवन हम भी पुराने प्लेयर नहीं है इतने, अपने बड़े प्लेयरों जितने पुराने प्लेयर नहीं, जो पहले के थे आपके प्लेयर हैं, लेकिन एक रियलिटी को इंसान को फेस करना पड़ता है और आपको मानना पड़ेगा। हाँ अगर आप कुछ कोई कारनामा करते हैं, कुछ कारनामा करके दिखाएंगे, फिर तो आप ऐसी बातें बोलेंगे ना, तो आप प्लेयर बहुत बड़े थे, नॉर्मल प्लेयर थे, नॉर्मल फास्ट बॉलर।
जी हाँ दोस्तों, तनवीर अहमद जो हमेशा उल्टा सीधा बोल जाते हैं, एक बार फिर वह कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं कि गौतम गंभीर ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा बल्कि वह हुकूमती पार्टी का नुमाइंदा है, इसलिए वह भारतीय टीम के हेड कोच बन गए हैं। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद की खूब धुलाई की है कि गौतम गंभीर जो है वह एक बेहतरीन कोच भारतीय टीम के लिए साबित हो सकते हैं। एक सेटल टीम और सेटल सिस्टम के लिए गौतम गंभीर न्यू आइडियाज लेकर आए हैं और इससे भारत की जो टीम है वह मजीद निकल जाएगी, मजीद बेहतर हो जाएगी। जहां तक तनवीर अहमद के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, उनका कहना था कि वीवीएस लक्ष्मण हो या फिर राहुल द्रविड़, दोनों गौतम गंभीर से अच्छे कोचेस थे। गौतम गंभीर ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा मगर फिर भी हुकूमती पार्टी होने के वजह से वह भारतीय टीम के हेड कोच बन गए है, ये कहना था पाकिस्तानी मीडिया का, जिसको लेकर तनवीर अहमद पर इस वक्त शदीद तनकीद हो रही है एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जानिब से कि खुद जो तनवीर अहमद है उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, मगर अब वह गौतम गंभीर पर बेजा तनकीद कर रहे हैं क्योंकि गौतम गंभीर न्यू जो आइडियाज है वह लाने वाले है। जिस तरह रवि शास्त्री ने मेंशन किया है कि गौतम गंभीर इस सेटल सिस्टम में कुछ नया करने के लिए आए है और भारतीय टीम जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में मजीद बेहतर हो जाएगी, तो तनवीर अहमद के स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने राय इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा।